दिव्य सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव आपका शोल्डर विजन चैनल पर स्वागत करता हूं और सैनिक के वर्कशॉप में आपका अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख विशेषताओं की जिसके कारण भाजपा भारत के अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न है, कैसे वे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। दोस्तों, ये कुछ अंश जो मैं डिस्कस करूँगा ये मेरी पुस्तक से लिए हैं मैंने, जिस पुस्तक का नाम है श्रेष्ठ भाजपा, एक अनूठी राजनीतिक शक्ति। इसमें मैंने प्रूव कर दिया है कि भाजपा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। दोस्तों, एक और मैंने पुस्तक लिखी है, भविष्य का निर्माण, एनडीए की दूरदृष्टि एवं का विजन, उसके ऊपर ये पुस्तक है। इसमें भी लगभग ये 300 पेज की मैंने पिछले 10 साल का पूरा लेखा जोखा दिया है। ये बहुत जल्द अमेजन फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध होगी और मैं कोशिश करूंगा इसको ऑनलाइन भी इसको मैं डालूं किंडल पर, ताकि देशवासी पढ़ सके कि वास्तव में 10 साल में कहाँ क्या विकास हुआ है और क्या विकास बाकी जो आगे 5 साल में करना है नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ विचारधारा की, जो मेन चीज होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी जो हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक रूढ़िवाद पर जोर देती है। दोस्तों, जो इसे अन्य पार्टियों से अलग करती है, जिनके पास समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या क्षेत्रवाद जैसे विभिन्न वैचारिक झुकाव हैं। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, भाजपा के पास में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के जो जो इसके अध्यक्ष रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं। हर समय मजबूत नेतृत्व देश को दिया है भाजपा ने, और आज के दिन श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी आज देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। खासकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के नेतृत्व में भाजपा ने बहुत विकास किया है। मैं उन सभी नेताओं को सल्यूट करता हूँ कि आज देश ऊंचाई छूने के लिए तैयार है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। इससे पार्टी में एक मजबूत मतदाता आधार मिला है और संगठनात्मक स्ट्रक्चर बनाने में मदद मिली है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया है उन नेताओं की मेहनत ने, उनकी सोच ने, उनकी दूरदृष्टि, उनके विजन ने, रास्ते पहुंच। कई क्षेत्रीय दलों के विपरीत जो विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों तक ही सीमित है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा की पूरे भारत में एक मजबूत प्रस्थिति है, उपस्थिति है, प्रेजेंस है इनकी हर हिंदुस्तान के कॉर्नर में। इस रास्ते पहुंचने भाजपा को अपना मतदाता आधार बढ़ाने और राज्य और राष्ट्र दोनों स्तरों पर चुनाव जीतने में मदद की है। दोस्तों, इस बार साउथ में भी कुछ अलग होने वाला है, केरल में देखना आप, तमिलनाडु में देखना आप, जहाँ पे बहुत कम सीट्स निकलती थी, इस बार बहुत कुछ मिलने वाली भाजपा को इस जनरल इलेक्शन में चुनावी रणनीति। इनका इलेक्शन का जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो अलग है। भाजपा मतदाताओं से जुड़ने और समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ साथ पारंपरिक प्रचार तरीकों के मिश्रण का उपयोग करने में सफल रही है। इनका आउटरीच प्रोग्राम अलग ही है। इसकी चुनावी रणनीतियाँ कई अन्य पार्टियों की तुलना में अधिक केंद्रित और प्रभावी रही हैं, जिसका कारण है कि जहाँ भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं भाजपा अपनी सरकार बना रही। दोस्तों, आपके सामने है, इनके पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, संगठनात्मक ताकत, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होना बहुत जरूरी है। भाजपा के पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों के विशाल नेटवर्क के साथ एक अच्छी तरह से संरचित और अनुशासित संगठन है। दोस्तों, अनपेड है बट वो पेड से भी ज़्यादा समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये संगठनात्मक ताकत पार्टी की चुनावी सफलता और उसके एजेंडे के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। गठबंधन, भाजपा राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अन्य दलों के साथ में गठबंधन बनाने में सफल रही है। जहाँ भी विचारधारा मिलती है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे बेशक ये मेजोरिटी में हो, लेकिन उनको साथ लेके चलते हैं। गठबंधन निर्माण की इस रणनीति ने भाजपा को अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने, उन राज्यों में सरकारें बनाने में मदद की जहाँ उनके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है।
संचार रणनीति, भाजपा ने जनता तक अपना संदेश पहुंचाने, अपना ब्रांड बनाने और विपक्षी कथाओं का मुकाबला करने के लिए जन मीडिया और संचार प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। इससे पार्टी को एक मजबूत और सुसंगत छवि बनाने में मदद मिली है। दोस्तों, विकास का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा, भाजपा ने एक विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जो आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देता है। दोस्तों, भारतीय मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुई है ये पार्टी, अन्य लोगों से अलग करती है ये पार्टी, अलग राजनीतिक दलों से अलग करती है जिनकी नीतिगत प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती है। जमीनी सतह से जुड़ाव, भाजपा ने जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव बनाने में निवेश किया। दोस्तों, खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, इसमें दूर दराज के इलाकों में भी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और समय सेवकों के नेटवर्क का लाभ उठाया है। इससे पार्टी को लोगों की नब्ज को समझने और उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से एड्रेस करने में मदद मिलती है। दोस्तों, अनुकूलनशीलता, भाजपा ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य, उभरते मुद्दों और सार्वजनिक भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने में अनुकूलशीलता दिखाई है। मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को विकसित करने और समायोजित करने की इस क्षमता ने पार्टी को बहुत आगे ले गए हमारे मतदाता। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक के रूप में भाजपा की वृद्धि का श्रेय इन कारकों के रीजंस के कारण ही जाता है जो मैंने ऊपर बताए आपको। साथ ही पार्टी के अवसरों को भुनाने, विविध मतदाताओं की आकांक्षाओं को संबोधित करने और अपनी दृष्टि और नीतियों को जनता तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ के कार्यकर्ता समर्पित है, यहाँ के कार्यकर्ता अनुशासित है, प्रचारक है, हर एक कार्यकर्ता प्रचारक है। देश की पॉलिसी को जन जन तक पहुँचाने में वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन दिन रात काम करते रहे पार्टी की सफलता के लिए। इन बातों के साथ में मैं इस वीडियो को, अगर आपको ठीक लगे ये वीडियो तो आप जरूर आगे शेयर करना। कोशिश की है मैंने, भारतीय जनता पार्टी एक अनूठी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से ये क्यों भिन्न है जो रीजनल पार्टी है। स्पेशली मैं कांग्रेस की बात करूँगा जहाँ पर संगठन है ही नहीं, कई कई स्टेट में अभी तक उनका संगठन बनाया नहीं इन्होंने, बगैर संगठन के कैसे चुनाव में जा रहे हैं मुझे ताज्जुब हो रहा है। हम सभी को मिलकर के भाजपा के संगठन से सीख लेनी चाहिए, इनके कार्यशैली से सीख लेनी चाहिए और अपनी सब पॉलिटिकल पार्टी में सुधार करना चाहिए हमारे देश के लोगों को। इसी के साथ में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो ठीक लगे तो आप इसको शेयर कर लेना आगे। थैंक यू सो मच।